हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2022 सेशन के बारे में। ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट अभी अनाउंस हो चुका है सब बच्चों का, तो यहाँ पे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, जैसे कि बेसिकली आपकी एक मेरिट लिस्ट आई है, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग भी बहुत डाउट है। कुछ बच्चों के डाउट है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। मेरिट लिस्ट सिर्फ एक ही आती है, उसके अलावा कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवा सकते हैं, सेकंड राउंड करवा सकते हैं, ओपन राउंड करवा सकते हैं। लेकिन जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो डायरेक्ट अपना ओपन राउंड ही करवा सकते हैं। बट अभी यहाँ पे ओपन राउंड का मतलब ये नहीं है कि आप एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है उनका एक स्पेसिफिक रैंक तक ही वेट करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एम्स की काउंसलिंग का वेट करो और बाकी जो फॉर्म्स हैं जिनके भी डेट है एक्चुअल में अभी आप फॉर्म पर इन कर सकते हो, उनको आप इग्नोर करो और आपको एम्स में भी एडमिशन ना मिले, तो वो दोनों तरफ से लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक जो डाउट है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है आपकी नहीं आएगी। ठीक है, अगर बात करें बहुत सारे बच्चों ने, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे लास्ट ईयर ना आपका 1200 रैंक पर मिला था ओबीसी को, ऑल इंडिया रैंक है ये, ओबीसी को एडमिशन 1200 रैंक पर मिला था, तो यहाँ पे मे बी वो हो सकता है कि 1300 या 1400 चला जाए, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो अब काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि दी अभी दो एम्स बढ़े हैं हमारे तो फ्लक्चुएशन आएगा। तो ये जो आपका फ्लक्चुएशन है ये दो एम्स के रिगार्डिंग ही मैंने बताया है। 200 रैंक आगे मैंने बताया, दैट मीन्स यहाँ पे देखो एक एम्स में आपके 40 to 60 सीट होती है, मतलब 40 से 60, किसी में 40 होती है, किसी में 60 होती है, किसी में 50 होती है। तो मान के चलो अगर आपकी 100 सीटें भी बड़ी हैं तो इस 100 सीटों में आपकी फिर 20 सीट होती है ओबीसी की, इस तरीके से ना रिजर्वड होती है सीट। ऐसा नहीं कि 100 की 100 सीट आपकी एम्स में यहाँ पे ओबीसी की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर का जो आपका ओपन राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आया था उसको एक बार के लिए मतलब कि देख लेना सभी बच्चे काउंसलिंग करवाने से पहले कि बेसिकली लास्ट किस रैंक पे आपकी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। अगर उसके रैंक के 100 या 200 रैंक आपके ऊपर नीचे है तो भी आपको बहुत आराम से हो जाएगा, आप वेट कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका ओबीसी में 2000 रैंक है या 1900 रैंक है, 1800 है, 1700, 1500 के बाद वालों का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि इतना अश्योरिटी से तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मतलब होता है कि बाय चांस रेयर हो जाता है कि एक दो सीट बहुत ज़्यादा बच जाए और मे बी एडमिशन हो, बट ये रेयर चांसेस होंगे। ठीक है, 1500 से आगे नहीं जाएगा, तो इतना ही लेके चलना कि 200-300 आप आगे बढ़ा के चलो। ठीक है, अभी जिन बच्चों का एडमिशन थोड़ा सा रिस्क में है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, और थोड़ा वो बच्चे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनको क्या करना चाहिए अभी एट द स्पॉट। जैसे अभी देखो भाई, बहुत सारे आपके जो एग्ज़ाम हैं वो फिल हो चुके हैं, जैसे एएमयू का हो गया, बीएससी नर्सिंग के लिए पीजे लखनऊ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, बीसीईसी वाला हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अदर स्टेट नर्सिंग के एग्ज़ाम भी आपके फिल हो चुके हैं, तो इनको तो आप फिल नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अगर आपने फिल कर रखे हैं तो इनकी तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका रेयर है कि आपने कोई भी फॉर्म इनमें से अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे KGMU ABVMU के लिए निकला हुआ है, इन दोनों के लिए एक फॉर्म है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। BFUHS के लिए निकला हुआ है, जिसको PPMET की भी बोला जाता है, ये भी आप कर सकते हो। 30 जून यहाँ पे लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिलिंग की, और यहाँ पे 15 जुलाई के इसके GMU वाली की है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलिंग करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं कि अभी आप फिलिंग ना करो तो दिक्कत आए। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके हाथ से चले जाएंगे। अभी बात करते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है और वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ना, बेसिकली जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो बस आपको काउंसलिंग में फॉर्म फिलिंग करते टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ओबीसी WS की सर्टिफिकेट की डेट प्रोस्पेक्टस पे मेंशन है, वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, उसके अलावा ना, अभी आपका काउंसलिंग में जस्ट आपको अपना ना एम्स फिल करना है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, कि आपको पहले कौन सा एम्स चाहिए, दूसरा कौन सा एम्स चाहिए, इस तरीके से सेट करने हो। और वो सेट करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे सेट करोगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, वो चीज़ नहीं होती है। आप कोई भी एम्स ऊपर रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, आपको चाहिए, उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो चाहिए, इस तरीके से सारे एम्स आप फिल कर सकते हो। फिर रिज़ल्ट आता है काउंसलिंग का, अगर काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ है, और यहाँ पर दो केसेज आते हैं, एक तो अगर आपको वो चाहिए हैं, ठीक है, और एक केस है कि आपको वो नहीं चाहिए, अलॉट हुआ है। ठीक है, तो अलॉट हुआ है
तो अगर चाहिए तो फिर आपको ऑफ़र लेटर वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो भी आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें, फ़ोटोग्राफ है, और इनके एक आपकी फ़ोटोकॉपी, ये आपको जिस एम्स में आपका एडमिशन हुआ है या फिर जो आपको चाहिए उसमें लेकर जानी है, वहाँ डिपॉजिट करनी है, ठीक है। अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ रुपीज़, ये आपका DD में होता है, तो वो आपका जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तब मैं मेंशन कर दूँगी। और जो वो एम्स नहीं लेना चाहते हैं, वो बेसिकली उनको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी कि जो एम्स उनको लोट हुआ है वहाँ भी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, और फिर अपना जो है नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उनको। तो ये आगे का प्रोसीजर है, ये हम जो काउंसलिंग का रिजल्ट आता है तब डिस्कस करेंगे। बाकी अभी मेन है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट यहीं रेडी रखने हैं। अगर OBC सर्टिफिकेट की डेट 18 जून से पहले है तो वैलिड होगा, 18 जून के बाद की डेट का वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी एग्ज़ाम के बारे में बता दिया है, काफ़ी सारे नहीं, 3 एग्ज़ाम हैं जिनके भी फॉर्म निकले हुए हैं, तो ये आप फिलअप कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मतलब अलग स्टेट में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे अपनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कि आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अदरवाइज़ जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो ये 3 तो डेफिनेटली फिल कर लो, ताकि आपका एडमिशन के चांसेस इंक्रीज रहे। उसके बाद बेसिकली इनकी प्रिपरेशन के लिए चाहे फिर आप वो BCEC हो, PGI चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, या AMU, इनकी प्रिपरेशन के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स। बेसिकली इसमें आपको बायो की बात करें तो बायो में NCERT हाईलाइट्स प्रोवाइड होंगे, और पर चैप्टर आपको 60 क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे प्रैक्टिस के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर बात करें तो इन दोनों में बेसिकली माइंड मैप और आपके केमिस्ट्री में हैंड नोट्स अवेलेबल होंगे आपको। अगेन यहाँ पे आपका 60 क्वेश्चन पर चैप्टर रहेंगे दोनों में। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ एग्ज़ाम्स में होता है कि इंग्लिश आता है, जैसे BCEC वाले में सिर्फ PC भी आता है, बट चंडीगढ़ वाले में इंग्लिश वगैरह भी आती है। इसी में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, जैसे KGVM में नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, GK आती है, इंग्लिश आती है। तो उन तरीके के लिए आपको क्या होगा, टॉप 500 क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड होंगी, ठीक है। ये आपका पेड कोर्स में रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे PCB के लिए। उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा PCB के लिए, और जो ये आपका ये वाला पार्ट है इंग्लिश, GK और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसके लिए आपका PDF टेस्ट होगा, ठीक है, वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली कोई भी अदर क्वेरी है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी या कुछ भी है। देखो अगर एम्स में थोड़ा सा भी लो मार्क्स आए हैं या फिर आपका ऐसा है कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, देन डेफिनेटली अभी ना सेकेंड ट्राई करो, अपना दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ पे आपको जो हमारे 2021 ईयर में सिलेक्ट हुए थे स्टूडेंट PGI चंडीगढ़, लखनऊ, इनमें BCEC में, वहाँ पे उनके आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे, एंड 2022 में जो एम्स में सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके रिव्यूज़ और आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट जब आपकी काउंसलिंग वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, तो उनके YouTube वीडियोज़ भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बूस्ट हो। बट वो उस टाइम पीरियड में आप लोगों को कोशिश करना है कि आपको भी आप अपने भी मुझे वीडियो प्रोवाइड करो कि मेरा KGVM में हुआ एडमिशन या फिर मेरा BFU SHS में हुआ है, तो वो आपके लिए भी बेटर होगा और ऑब्वियसली मेरे लिए भी बेटर होगा। तो यहाँ पे 2023 की प्रिपरेशन के लिए मत जाइए, अभी 2022 में जो भी एंट्रेंस रहते हैं BSc नर्सिंग के लिए उनके लिए प्रिपेयर करिए।